है वो है डेमोक्रेसी इज अ कल्चर रादर देन अ प्रोसेस। अब पहली बात तो ये कि किस कैटेगरी में फॉल करता है इंग्लिश ऐसे की टाइप्स के अंदर, जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्टली पता हो, बट जस्ट फॉर अ गुड आइडिया, फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको पिन पॉइंट करना आना चाहिए। जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है अपने लेक्चर्स के अंदर भी, उसमें तो काफी डेप्थ में किया है, बिकॉज आर ईच वीडियो इज एटलीस्ट 20 मिनट्स लॉन्ग। तो उसके अंदर मैंने बड़ा लंबा एक्सटेंसिवली बताया कि दो टाइप के एसेस हैं, एक इशू बेस्ड एसे है आपका और एक होता है आर्ग्यूमेंटेटिव एसे, जिसको आप एक्सपोजिटोरी एसे भी कह सकते हैं, ठीक है, और विच इज कॉमनली मिस इंटरप्रेटेड एज लिटरेरी और रिफ्लेक्टिव एसेस। लिटरेरी और रिफ्लेक्टिव एसेस सीएसएस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। जो लिटरेरी रिफ्लेक्टिव एसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जिसको हमारे यहाँ लिटरेरी या रिफ्लेक्टिव एसेस कहा जाता है कॉमनली, वो बेसिकली आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस हैं, ठीक है। तो आपने बहुत ज्यादा लोग ऐसे कर लेते हैं, क्वालिफाई भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी ये छोटी मिसकंसेप्शन जो है वो दूर नहीं होती। बट बहरहाल आप उसको कोई भी नाम दें, ए कैटेगरी बी कैटेगरी, द आइडिया इज के इशू बेस्ड एसेस में बहुत स्पेसिफिक चीज डिस्कस होती है, बड़ी एक टॉपिक जो है वो किसी बड़े स्पेसिफिक इशू के ऊपर आता है, इसीलिए उसे इशू बेस्ड ऐसे कहते हैं। जैसे आप ये कहें कि एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, वाटर स्केयरसिटी इन पाकिस्तान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, कोई इस तरह के टॉपिक्स जो किसी स्पेसिफिक इशू के ऊपर आ रहे हैं वो इशू बेस्ड ऐसे होते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज वो होते हैं जो किसी आइडिया के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, और उस आइडिया के ऊपर आर्ग्यूमेंटेशन एग्जिस्ट करें। तो इसलिए आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस इशू बेस्ड एसेस से फर्क है। इशू बेस्ड एसे बहुत ज्यादा स्पेसिफिक इशू सेंटर्ड होते हैं, और आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस आइडिया सेंट्रिक होते हैं और थोड़े मोर जनरल, थोड़े ज्यादा ब्रॉड होते हैं। सो देयर इज लेस इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड इन इशू बेस्ड एसेस। इसमें इंटरप्रिटेशन कम चाहिए होती है, इसमें इंटरप्रिटेशन कम इसलिए चाहिए होती है बिकॉज स्पेसिफिक इशू है, सो यू डोंट हैव टू पुट अ लॉट ऑफ मेंटल एफर्ट इन टू इंटरप्रेटिंग दैम। बट आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस में यू नीड मोर इंटरप्रेटेटिव स्किल्स। तो इसमें भी तीन तरह की आगे से टाइप्स हो सकती हैं। कोई आइडिया प्रोपोजिशन हो सकती है, यानी कोई आइडिया हो सकता है, जैसे कि हमारा ये वाला ऐसे, डेमोक्रेसी इज अ कल्चर रादर देन अ प्रोसेस, इट्स एन आइडिया, ठीक है। सेकेंड, आपकी कोई विजडम कोटेशन हो सकती है कि किसी बड़े बंदे की कोट हो, ठीक है। तीसरा वो कोई हो सकता है कि आपकी जो प्रोवर्बियल स्टेटमेंट्स हैं, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, तो वो प्रोवर्बियल स्टेटमेंट्स जो हैं, हमारे मैक्सिम्स जो हैं उनके ऊपर हो। सो ये लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग ये तीनों कैटेगरीज आर्ग्यूमेंटेटिव के अंदर वो हैं जिनमें कोई आइडिया डिस्कस होता है और वो जरा ब्रॉड होता है जिसको इंटरप्रेट करते हैं। तो डेमोक्रेसी इज अ कल्चर रादर देन अ प्रोसेस इज एन आइडिया बिकॉज इट्स नॉट स्पेसिफिक। तो मैं सबसे पहले आपको एक जनरल स्कीम बता दूं जो मैंने अपनी आर्ग्यूमेंटेटिव एसे के लिए अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर की है, कि मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ आता है, फिर उसके बाद डेफिनेशंस आती हैं, फिर उसके बाद मेन आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, फिर केस स्टडीज आती हैं, फिर इफ इट इज पॉसिबल टू प्रूव द इनवर्स लॉजिक ऑफ द स्टेटमेंट देन वी प्रूव दैट, देन वी हैव रिकमेंडेशंस एंड देन वी हैव द कंक्लूजन, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने पैराग्राफ्स की एक बड़ी जनरल सी स्कीम है, इसमें आप ऑल्टर कर सकते हो कभी कभी, जैसे स्टॉप ऐसे में भी होगा कि सेकंड या थर्ड उसके कॉन्टेक्स्ट और डेफिनेशंस पे गुजर जाए, कभी कभी आपके मेन आर्ग्यूमेंट्स तीन से ज्यादा हो जाते हैं, कभी कभी केस स्टडीज कम हो जाती हैं, सो कभी कभी इनवर्स लॉजिक एग्जिस्ट ही नहीं करती किसी टॉपिक में, सो ये चीजें, कभी कभी टॉपिक ही रिकमेंडेशन सेंट्रिक होता है तो आपको रिकमेंडेशन का सेपरेट हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट बेसिकली ब्रॉडली स्पीकिंग दीज आर द थिंग्स, दीज आर द लाइंस अलोंग विच वन शुड थिंक, ठीक है। इन इन नुकात के गिर्द आपने सोचना होता है अपने ऐसे के अंदर। इनवर्स लॉजिक क्या होती है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं दे आर क्वाइट फेमिलियर विद इट, तो इनवर्स लॉजिक मैंने बेसिकली उसके लिए यूज करता हूं, जैसे अगर टॉपिक है कि वॉयलेंस इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द इनकॉम्पिटेंट, के जो नाअहल शख्स होता है वो बिल आखिर तशद्दुद का इस्तेमाल करता है, तो आपने पूरा ऐसे उस पर लिखा, लेकिन एक उसको फ्लिप करके बताएं कि अच्छा जो इनकॉम्पिटेंट नहीं होता, जो कॉम्पिटेंट होता है, वो अल्टरनेटिवली किस तरीके से मुश्किलात का सामना करता है। इनकॉम्पिटेंट का तो समझ आ गया, आपने उस पर पूरा ऐसे लिख दिया जो टॉपिक में था, कि जब भी मुश्किल आएगी तो वो बंदा एंड पे फिर अल्टीमेटली वॉयलेंस यूज करके अपने एंड्स अचीव करना चाहेगा, अपनी खामियां छुपाना चाहेगा। तो अल्टरनेटिवली जो कॉम्पिटेंट है वो क्या करेगा, वो जो
पैराग्राफ आप बनाएंगे कि वो नेगोशिएशंस करते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स तरीके से करने की कोशिश करते हैं, वॉयलेंस को कभी नहीं करते. वो जो पैराग्राफ है ये इनवर्स लॉजिक है कि वो टॉपिक की लॉजिक को आप फ्लिप साइड पे भी साबित कर रहे हो. एंड दिस इज अ वेरी गुड वे टू प्रूव एन आर्ग्यूमेंट, प्रूव अ केस, बिकॉज आप उस नुक्ते को अपनी दलील को आखिरी हद में जाके साबित करें ऑन द बोथ साइड्स. यू आर प्रूविंग द डायरेक्ट साइड ऑफ योर लॉजिक, यू आर ऑल्सो प्रूविंग द फ्लिप साइड ऑफ द लॉजिक. ठीक है, सो ये बेसिक्स हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिए, बेसिक चीजें कुछ कवर कर ली. नाउ लेट्स जम्प थ्रू द टॉपिक. अब सबसे पहले तो ये कि जो आपका पहला पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होगा. मैं पैराग्राफ भी आपको बाद में एंड पे कराऊंगा, लेकिन इंट्रोडक्शन में आपको एंड पे कराऊंगा, ताकि फर्स्ट वी हैव कवर्ड दी एसे, पहले हमने एसे को डिटेल में डिस्कस कर लिया हो तो फिर हम जो है वो इंट्रोडक्शन की तरफ आएंगे. तो सबसे पहले जो ये बात है कि डेमोक्रेसी इज अ कल्चर रादर देन अ प्रोसेस. सबसे पहले आप भी इस पे ब्रेनस्टॉर्म आपने किया होगा, मेरे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये, उन्होंने तो इस पे स्क्रिप्ट्स भी लिखी होंगी और इवैल्यूएट कर रहे होंगे अपने आप को साथ साथ. तो उसमें तीन चार मुख्तलिफ चीजों का तस्करा है. हमने पहले उन लाइन्स के गिर्द सोचना है, बड़ा ब्रॉडली सोचते हैं. सबसे पहले आप देखें कि सबसे पहले इसमें बात हो रही है कि जमहूरियत जो है वो बेसिकली एक सकाफत है, सिर्फ किसी एक प्रोसेस का नाम नहीं है, वो एक कल्चरल एलिमेंट है. So, उसमें सबसे पहले तो ये हो गया कि एक तो कोई ऐसी बला है जो कि जिसको कहते हैं कल्चर सबसे पहले, फिर कोई एक बला है जिसको कहते हैं प्रोसेस. ठीक है, यानी कि एक डेमोक्रेसी का कल्चरल एलिमेंट है, ठीक है, जो हुआ डेमोक्रेटिक कल्चर, और एक जमहूरियत का प्रोसेस है जिसे कहते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस. तो ऑब्वियसली ये दोनों चीजें मुख्तलिफ होंगी वाइल रिलेटेड, बट दीज टू विल हैव शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू. तो एक तो हमें ऐसे में सबसे पहले ये करना है इस टॉपिक को समझाने के लिए अपने दूसरे पैराग्राफ में, कि हमें बताना होगा कि इसका मतलब क्या है. तो इस टॉपिक का मतलब समझाने के लिए हमें सबसे पहले डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या होता है वो बताना पड़ेगा, और डेमोक्रेटिक कल्चर क्या होता है वो बताना पड़ेगा. एंड इन एक्सप्लेनिंग दैट विल बी एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू. फिर हमें बताना है, अब वो कह रहा है कि जमहूरियत जो है, डेमोक्रेसी जो है, वो एक डेमोक्रेटिक कल्चर है, वो सिर्फ डेमोक्रेटिक प्रोसेस का नाम नहीं है. इसका मतलब डेमोक्रेटिक कल्चर की ज्यादा अहमियत है डेमोक्रेसी के अंदर. तो अहमियत किस तरीके से आप साबित करोगे, ठीक है, कैसे डेमोक्रेटिक कल्चर की ज्यादा वैल्यू है या बहुत अहम है, वो इस तरीके से कि कुछ चीजें हैं, कुछ प्रोमिसेस हैं या कुछ फंडामेंटल्स हैं डेमोक्रेसी के. आप इस ऐसे में वो साबित करोगे कि वो फंडामेंटल्स डेमोक्रेसी के सिर्फ डेमोक्रेटिक कल्चर के जरिए अचीव हो सकते हैं, वो हाली डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए वो प्रोमिसेस अचीव नहीं हो सकते. सो किन लाइंस पे हमने सोचेंगे, हम सबसे पहले बताएंगे डेमोक्रेटिक कल्चर क्या है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या है, किस तरह ये डिफरेंट है. फिर डेमोक्रेसी के जो आइडियल्स हैं या जो प्रोमिसेस हैं जो हम हिस्टोरिकली देखते हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा. कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या एप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं. यूट्यूब के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का. लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है. तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है. 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है. अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर. हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट.